फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताता हूँ कसावा के बारे में। दोस्तों, कसावा एक ऐसा खाद्य पदार्थ होता है जो कि आपके हेल्थ के साथ साथ आपके बालों और त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। आज मैं आपको कसावा के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं कसावा क्या होता है। दोस्तों, ये कसावा एक तरह की सब्जी होती है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है। यह एक तरह का पौधा होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत रहता है, जो कि आपके शरीर के लिए, आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। जानते हैं दोस्तों, कसावा के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। दोस्तों, कसावा के अंदर प्रचुर मात्रा में कैलोरी, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम और विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसकी जो तासीर होती है मध्यम ठंडी प्रकार की होती है, जो शरीर को शीतलता देती है और आपको पित्त संबंधी सभी प्रकार के विकारों से दूर करती है। जानते हैं दोस्तों कसावा के फायदों के बारे में। इसका सबसे पहला फायदा होता है वजन को कम करने के लिए। उन लोगों को कसावा खाने से फायदा होता है जो अपना वजन कम करना चाहते हैं। मोटापा कम करने वाले लोगों के लिए कसावा का सेवन करना एक प्राकृतिक उपचार हो सकता है जो आसानी से आपके वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है। कसावा के अंदर कैलोरी और फैट बहुत ही कम मात्रा में रहता है। इसके अंदर फाइबर अच्छी मात्रा में रहते हैं। यह आपके वजन घटाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, आपकी भूख को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। दोस्तों, इसका दूसरा फायदा होता है पाचन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए। जिनको भी पाचन संबंधी किसी प्रकार की दिक्कत रहती है, उनके लिए कसावा बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है। यह उनके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, आंतों से मल को आसानी से निकालता है। कसावा का नियमित रूप से सेवन करने से आपको पाचन संबंधी सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। इससे कब्ज, अपच की प्रॉब्लम, दस्त, पेट के अंदर ऐंठन होना, इन सभी में भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। इसके अलावा इसका तीसरा फायदा होता है सिर दर्द के लिए। सिर दर्द होना एक आम समस्या होती है, लेकिन जिन लोगों को यह लंबे समय तक लगी रहती है, उन्हें सिर दर्द होना, माइग्रेन पेन होना, ऐसी दिक्कत आने लगती है जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। अगर दोस्तों आप इसका इलाज करना चाहते हैं तो तरीका बताता हूँ। आपको 60 ग्राम कसावा की जड़ या पत्तियों की आवश्यकता होगी। इन्हें आप 1 से 2 घंटे तक पानी में डुबो कर रखें। इसके बाद ब्लेंडर की मदद से इसका जूस बनाएं। इस जूस को आप दिन भर में 2 बार इस्तेमाल करें। आपका सिर का दर्द 3 दिन के अंदर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और कभी भी वापस दोबारा उत्पन्न भी नहीं होगा। चौथा उपाय होता है दोस्तों, एंटी कैंसर सेल होती हैं दोस्तों इसके अंदर ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो कि आपको कैंसर से बचाव में मदद करते हैं। दोस्तों, कैंसर एक ऐसी बीमारी होती है जिसका उपचार नहीं बल्कि बचाव देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कसावा का इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर मौजूद पोषक तत्व, औषधीय गुण फ्री रेडिकल सेल को बाहर निकालते हैं और आपके शरीर में कैंसर बनने से रोकते हैं। कसावा की पत्तियों के अंदर विटामिन B7 पाया जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर लाल रक्त कोशिकाओं को उत्तेजित करने वाले सभी प्रकार के गुण होते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं की क्षति के कारण कैंसर की संभावना अधिक हो जाती है। अगर आप भविष्य में कैंसर जैसी बीमारी से बचना चाहते हैं तो आप कसावा का इस्तेमाल करें। यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद चीज़ होगी।